अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। लबाक आप सबको अपने जुबान में रखें, आमीन सब आमीन। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, माशाल्लाह हमारे घर में नई बाइक आई है। जो पापा के पास पहले भी एक बाइक थी, लेकिन उन्होंने जो है वो सेल कर दिया और यहाँ पर वो नई बाइक लेकर के आए हैं। क्योंकि ये जो बाइक है वो काफ़ी हल्की है और उनको इससे ड्राइव करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपसे ये खुशी भी शेयर कर दूँ, माशाल्लाह। और जिसको आरज़ू है नई बाइक की, इंशाल्लाह वो जल्द ही नई बाइक ले लें और मैं दुआ करूँगी। और यहाँ पर ये हम आपको बाइक दिखा रहे हैं, ये है हीरो की स्प्लेंडर बाइक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी हैंडी है। और पापा जो है वो पहली स्प्लेंडर बाइक, वो उससे उनका खासा नुकसान हो गया था, क्योंकि वो जो है ड्राइव करते वक्त गिर गए थे और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो खैर वो सब रिकवर हो गया अल्लाह करम से। और यहाँ पर जो है इसलिए पापा ने न्यू बाइक लेने का फ़ैसला किया और वो ये बाइक लेकर के आए हैं। तो हमने सोचा था कि स्कूटी आ जाएगी तो हम भी ड्राइव कर सकेंगे, लेकिन उनको स्कूटी नहीं, ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगी तो वो यही बाइक ले आए। तो मैं आ गई ऊपर और सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोयाबीन जो है दिन में ही भिगो करके रख दी थी। मुझे नहीं पता कि इसको भीगने में कितना टाइम लगता। अगर आप गर्म पानी में से भिगो रहे हैं तो कम से कम हाफ़ या 1 आवर इसे रख सकते हैं, और अगर ठंडे पानी में भिगो रहे हैं तो 2 घंटे के लिए आप इसे रखें। तो मैंने इसे दिन में 12 बजे भिगोया था और अभी ये 4 बजे का टाइम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए हैं और ऐसे ही हमें सोयाबीन चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे सोक कर लेना है और पूरा हमें इसे पानी से निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से जो है पानी को इससे निकाल रही हूँ और एक एक करके काफ़ी अच्छे से निकाल लेना है, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम आराम से करें। तो यहाँ पर मैंने पूरे सोयाबीन को अच्छे से यहाँ पर निकाल लिया है वाटर से। तो एक एक करके मैंने इसका वाटर जो है वो ड्रेन कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे डालती जा रही हूँ। अच्छा, तो मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं था कि मैं सोयाबीन के कबाब बनाऊँगी, लेकिन मेरा मुझे दिख गई सोयाबीन तो मैंने सोचा चलें इसे भी बना लेते, क्योंकि सोयाबीन जो है वो रख रखे ख़राब जाती और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और मुझे जो है वो सोयाबीन के कबाब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसलिए मैंने फैसला किया सोयाबीन के कबाब बनाने का। मैंने सोया चंक से सारा वाटर अच्छे से ड्रेन कर लिया और मैंने इसे ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये काफ़ी फाइनली ग्राइंड होना चाहिए कबाब बनाने के लिए, तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और ये देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सोयाबीन है, ये बिल्कुल कीमा लगता है। तो मेरी एक फ्रेंड जो है वो इस सोयाबीन को सोयाबीन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल बोटी कहती थी, और ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल बोटी तरीके ही दिखता है और टेस्ट में भी बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप नॉन वेज खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं। खैर यहाँ पर जो है मैंने सबको एक एक करके यानी थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लिया है। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी फाइन ग्राइंड नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लिया है। तो साथ साथ में मेरी कोशिश ये रहती है कि सेल्फ वगैरह भी साफ़ होते जाएँ, क्योंकि अम्मी फिर अचानक से किचन में आ जाती हैं तो उनको गंदे सेल्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और फिर वो मुझे डांटती हैं। तो इसलिए मैं जो है वो सेल्फ भी साफ़ करती जा रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथों पर चिपक रहा था। और खैर यहाँ पर मैंने सारे चंक्स को जो है वो ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसे ग्राइंडर से बाउल में निकाल देती हूँ। और उसके बाद जो है हमने इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करनी है ताकि इसका फ्लेवर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने ले लिया है हरी धनिया के पत्ते और यहाँ पर 4 लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं, ये मस्ट है। और यहाँ पर कुछ प्याज ले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर मैंने 1 प्याज के 4 पीसेस किए हुए हैं और ये सब मुझे ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर देना है। अच्छा, अगर आपके पास अदरक है तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने अदरक जो है वो स्किप कर दिया था। तो अदरक का छोटे छोटे पीसेस करके आप इस पर डाल सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी आपका कबाब का फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर अदरक जो है नहीं ऐड करी है, लेकिन फिर भी इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया। अब ग्राइंड करके क्या करना है, हमें सोयाबीन चंक्स में से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, इसे काफ़ी फाइन होना चाहिए और यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर लिया है। जितना भी मैंने पीसा था कम से कम 3 टेबल स्पून था, तो मैंने होल इसमें ऐड कर दिया था।
ये मसाले ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हाथों से। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट हम इसमें पीसे मसाले ऐड करने वाले हैं, जिसमें कि और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच ऑफ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून सॉल्ट, और आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लास्ट में डाल दिया था 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अगर आपने भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं यूज़ करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को मैंने तो डाल दिया, अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने कबाब की मटेरियल में। और जो चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ, आपने बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करा हुआ बेसन मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर रोस्ट करा हुआ बेसन लिया था। अगर आपका मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है आप अपने अकॉर्डिंग बेसन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रोस्ट करा हुआ बेसन भी यहाँ पर 1 कप डाला था ताकि इसका जो है वो शेप अच्छे से आ सके। अगर आप इसमें भुना हुआ बेसन नहीं ऐड करेंगे तो इसका जो शेप है वो अच्छे से आ नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भुना हुआ बेसन जो है वो ऐड कर लिया था। अब आपका मटेरियल हमारा रेडी हो गया, हमने इसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पर मैं जो है वो चटनी पीस रही हूँ, जिसके लिए मैंने धनिया ले लिया है और 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ले लिए हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा तीखा बने। लेकिन इतनी सारी चिलीज़ लेने के बाद भी ये बिल्कुल भी तीखा नहीं बना था, क्योंकि आज कल जो है चिलीज़ बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही है। खैर मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 से 5 चिलीज़, और उसके बाद मैंने यहाँ पर टोमेटो डाल दिया है 1 टोमेटो, और यहाँ पर सॉल्ट और वाटर डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी, और कबाब के साथ चटनी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, और रायता भी बहुत अच्छा लगता है। तो रायता तो हम सर्दी में नहीं खाते लेकिन चटनी तो ले सकते हैं, तो मैंने चटनी यहाँ पर यूज़ करी है। तो चटनी जो है वो अच्छी भी लगती है कबाब के साथ सर्व करने पर, और कबाब ऑब्वियसली चटनी के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चटनी पीस ली है, और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया। और टोमेटो डालने के बाद चटनी का कलर ऐसा ही लाइट ग्रीन आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, एक्चुअली कुछ मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है। मैंने जो है ये सब तैयारी जो अशर से पहले करी थी, लेकिन और करते करते मैंने अशर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर आ गई किचन में, और अब ये मगरिब की अजान हो गई। तो मैं और अम्मी जो है साथ में मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में। लेकिन ये किचन से पहले की वीडियो है जो मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे चाट बनाया था, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट पिस्ता है, मेरा बड़ा ही मन था, तो मैं भागती गई और चाट लेकर के आई अपने लिए। तो मैं यहाँ पर चाट इंजॉय कर रही हूँ। तो मगरिब का टाइम तो हो गया, नमाज भी मैंने अदा कर ली, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ फिर से किचन में। और अब हम जो है कबाब बनाने की तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्नैक्स बनाने के लिए सोचा था, लेकिन ये तो डिनर का टाइम हो गया। एक्चुअली मैंने 7:30 बजे सबको जो है वो कबाब सर्व करे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, नमाज भी अदा करना था और कुछ मेहमान भी आए हुए थे। तो खैर मैंने यहाँ पर कबाब को जो है वो शेप देना शुरू कर दिया है। आप इसे टिक्की के शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो सीख कबाब के शेप में इसे रेडी किया था। यहाँ पर जो है मैंने सीख बोटी की स्टिक्स ले ली है, और यहाँ पर मैं इसी पे इसे शेप दे रही हूँ, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बन नहीं रहा था स्टिक से। और अगर आपसे भी ऐसे ही इसका मटेरियल जो है वो टूट रहा है, तो समझ जाए कि आपने बेसन कम डाला है, तो आप फिर से इसे बेसन रोस्ट करके ही डालें। रोस्ट करा हुआ ही बेसन इसमें जाएगा, और नॉर्मल बेसन इसका टेस्ट जो है बेकार कर देगा। माशाल्लाह कबाब को मैंने शेप दे दिया है, और ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब बस इन्हें जो है ऑयल में हमें तलना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल में जो है पैन में ऑयल ले लिया है। मैं बोलती तो ऐसा लगता है टंग ट्विस्टर बोल रही हूँ, इसकी मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा फिसलती है। खैर यहाँ पर मैंने पैन में जो है ऑयल ले लिया है, और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। और हीट करने के बाद एक एक करके हम इसमें कबाब डालेंगे। आप सारे कबाब एक साथ ना डालें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हमने कबाब जो है वो ऑयल में फ्राई कर लिए हैं, और आपने ऑयल ऐसे ही गर्म करना है कि कबाब डालते ही साथ ऑयल में जो है वो बबल्स आने लग जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 मिनट्स के लिए कुक करा था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कुक हो गए थे और क्रिस्पी भी हो गए थे। माशाल्लाह कबाब तो हमारे जो है वो कुक हो गए हैं। अब हम एक एक करके इसे सर्व कर लेंगे सर्विंग प्लेट में, और आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे
रख सकते हो कुछ देर के लिए ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। वैसे ये ऑयल ज़्यादा कंज्यूम नहीं था इसने किया हुआ था, तो मैंने इसे तुरंत ही सर्विंग प्लेट पे रख लिया था। तो इस सेकेंड राउंड में भी हमारे कबाब जो है वो अच्छे से बन गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैंने इससे पहले भी सोयाबीन के कबाब बनाए हुए हैं, लेकिन तब मुझे ये रेसिपी नहीं पता थी जो मैंने आज निकाली है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इजी रेसिपी है और ये स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप इसे रोटी से भी खा करके ट्राई कर सकते हैं, इसे मैंने तो नहीं किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट में मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया था और ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगा था। क्या ये था मेरा आज का व्लॉग? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज का व्लॉग और आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखें।